हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आपको न्यू बॉर्न बेबी से मिलवाने वाले हैं। तो देखिए, हम सब लोग हैं हॉस्पिटल में और हमारी भाभी इस समय ओटी में है। उनका सीजर हो रहा है और सभी लोग बाहर वेट कर रहे हैं। तो देखिए, हमारे भैया खड़े हैं, मम्मी खड़ी हैं और ये सब लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं कि कितनी जल्दी बेबी बाहर आए और इनसे मिले। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि मामा भी खड़े हैं, नानी फ़ोन पर बात कर रही हैं। सब लोग बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुश भी हैं और थोड़ा सा अंदर से अब क्या कहें, कह नहीं पा रहे हैं कि सब लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं। और हम आपको मिलाते हैं न्यूबॉर्न बेबी से। तो देखिए, सीज़र हो चुका है और बेबी हमारी, गुड़िया हमारी आ चुकी हैं। तो देखिए कितना रो रही हैं, अभी अभी इनका जन्म हुआ है। तो देखिए बहुत सुंदर हैं ये, बिल्कुल अपने मम्मी पापा पे गई हैं और बहुत ही ज़्यादा गोरी हैं, इनका रंग बहुत साफ़ है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है हमारी गुड़िया रानी, और देखिए कितना रो रही है। थोड़ी थोड़ी देर पर ये रोने लगती हैं और थोड़ी थोड़ी देर के बाद ये चुप भी हो जाती हैं। और देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हमारे घर में छोटा बच्चा आया है। और इधर देखिए हमारे भैया जो हैं, मौसी के बेटे, वो हमारी बिटिया रानी के लिए, गुड़िया रानी के लिए कितना प्यारा सा केक लेके आए हैं। तो अभी हम लोग बिटिया से ही केक कट कराएंगे। तो ये देखिए हमारी गुड़िया केक काट रही हैं, भैया की गोदी में हैं, अपने पापा की गोदी में हैं। भैया हमारे बहुत खुश हैं, गुड़िया रानी को अपनी गोदी में लेकर बहुत ज़्यादा हमारे भैया को खुशी हो रही है। और बिटिया से ये केक कट करा रहे हैं, तो बिटिया ने चाकू तो पकड़ लिया है। और देखिए अभी ये कैसे केक को कट करेंगी। बिटिया ने केक को कट कर दिया है, तो अब छोटी बुआ आएंगी और इसमें से पीस बनाकर सबको केक खिलाएंगी। आप सब लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो देखिए ये नानी बैठी हुई हैं, फूफा जी हैं, ये दोनों फूफा हैं बिटिया के, बैठे हुए हैं। और मामा भी हैं, मौसी हैं, बुआ हैं, सभी लोग आए हुए हैं हॉस्पिटल में हैं सब लोग। सबको बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए छोटा सा इस पर जो डॉल लगी हुई है, इसको बहन हमारी संभाल के रख रही है, बोल रही है हम इसको कट नहीं करने देंगे। और देखिए सबको केक खिलाया जा रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, सब लोग बहुत एंजॉय कर रहे हैं और ये बच्चे बहुत खुश हैं। छोटा सा बच्चा देख कर ये हमारे जो आयुष्मान हैं बहुत खुश हैं बेबी को देख कर। तो देखिए केक भी कट गया है और केक सब लोग खाएंगे, मस्ती करेंगे। और भाभी हमारी अब आएंगी घर, 3 दिन हो चुका है, 3 दिन में छुट्टी हो जाएगी। तो हम सब लोग घर पे आ चुके हैं और घर को हम लोगों ने डेकोरेट किया है। तो देखिए हमने घर को कैसे डेकोरेट किया है, फूलों से सजाया है। और अभी हमारी गुड़िया रानी आएंगी, गृह प्रवेश करेंगी, हम आप सब के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे। आप सभी लोग बने रहिएगा यूं ही और देखते रहिएगा। देखिए भैया का रूम डेकोरेट कर दिया गया है, बैलून लगा दिए गए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। भैया का रूम पूरी तरह से सजा दिया गया है क्योंकि हमारी गुड़िया रानी पहली बार घर आने वाली हैं। तो गुड़िया रानी के स्वागत की तैयारी चल रही है, ये सब बुआ लोग लगी हुई हैं, सजा रही हैं। देखिए बैलून फुलाए जा रहे हैं और फूफा जी भी लगे हैं, तो सब लोग मिलकर रूम को डेकोरेट कर रहे हैं। और अब टाइम होने वाला है, शाम हो चुकी है, तो भाभी की छुट्टी हो चुकी है और भाभी अब गुड़िया रानी को लेकर घर आने ही वाली हैं। तो देखिए हमारी गुड़िया रानी आ चुकी हैं और हम लोग जा रहे हैं गेट खोलने।
तो देखिए गेट भी खुल चुका है और ये बिटिया हमारी मम्मी की गोदी में है, यानी कि दादी की गोदी में है और ये अब मम्मी की गोदी में जा रही हैं। तो शाम का समय है, ये करीब 7:30 बजे का सीन है, तो थोड़ा थोड़ा सा अंधेरा भी हो चुका है। तो अंधेरे में बिटिया हमारी घर आई हैं। शाम के समय छुट्टी हुई है इनकी हॉस्पिटल से, तो ये शाम के टाइम ही आ रही हैं और अब इनका गृह प्रवेश होगा। तो देखिए बुआ ने, दादी ने, नानी ने, सब ने इनकी आरती उतार ली है और अब बिटिया रानी गृह प्रवेश करेंगी। तो देखिए इनका गृह प्रवेश हो रहा है, बिल्कुल भी रो नहीं रही बिटिया रानी, बहुत खुश हैं, पापा की गोदी में है। और अब ये रोने वाली हैं, जब इनके पैरों में ठंडा ठंडा सा रंग लगेगा तब ये रोने लगती हैं। और देखिए ये रो रही हैं। और अब हमारी बिटिया अंदर जाएंगी, अपने रूम में जाएंगी, पापा मम्मी के रूम में। तो देखिए ये जाएंगी अपने कमरे में। तो कितना अच्छा लग रहा है बिटिया रानी का गृह प्रवेश, कितना अच्छा लग रहा है, कितने अच्छे से इनका गृह प्रवेश किया गया है। और बिटिया अब अपने रूम की तरफ बढ़ रही हैं। तो बिटिया रानी अपने रूम में आ चुकी हैं। देखिए इनका रूम कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छे से डेकोरेट किया गया है। और भाभी का सीज़र हुआ है, तो भाभी को थोड़ा सा उठने बैठने में प्रॉब्लम हो रही है। अभी 2 दिन ही हुए हैं, क्योंकि 3रे दिन भाभी हमारी घर आ चुकी हैं, अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। तो सब लोग घर पर आ गए हैं, सब बहनें आई हुई हैं। और देखिए आप सब लोग पास से देखिए हमारी गुड़िया रानी को। हम लोग पहली पहली बार बुआ बने हैं, अभी हमको बुआ कहने वाला कोई नहीं था, तो हमारी गुड़िया आई हैं पहली पहली बार हमको बुआ कहने के लिए, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं। वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।